फुलवारी शरीफ थाना इलाके से गिरफ्तार जलालुद्दीन और अतहर परवेज के तार कहां कहां से जुड़े हैं, इसकी पूरी पड़ताल बिहार पुलिस कर रही है। यह कहना है एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का। इनके मुताबिक इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। बिहार आईबी और पटना पुलिस के साथ एटीएस की टीम भी अपने अपने स्तर से अनुसंधान करने में जुटी है। फिलहाल इन दोनों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं, जिसमें देश विरोधी गतिविधि से जुड़ा धारा भी शामिल है, उसके तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले में हम आपको बता दें कि पटना के शहरी इलाके में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में कांड दर्ज किया गया। उस कांड के अंतर्गत गंभीर धाराओं में हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और पुलिस की अलग अलग टीम भी उनसे पूछताछ कर रही है। उनके पास में पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन इत्यादि बहुत सामग्री बरामद हुई है, उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। चूंकि कांड दर्ज हो गया है, वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, गिरफ्तारी हो गई है, तो अब पूछताछ में आगे बहुत सारी बातें आएंगी और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी संभव होगी। साक्ष के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिन जिन डायमेंशंस पर हम लोगों को सूत्र मिलता जाएगा, उन उन डायमेंशंस पर हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। जहाँ जहाँ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो जो सहयोग की जरूरत पड़ेगी, पटना पुलिस को हम लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस मामले में और भी सूत्र आगे और भी सच आगे निकल के आएंगे। इस तरह की कोई जानकारी की सूचना मुझे नहीं है और इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं। अब जब उनसे काम दर्ज हो गया है, अब गिरफ्तार हो गए हैं, अनुसंधान चालू हो गया, वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो अब उनसे पूछताछ के बाद में पूरे मकसद, पूरे आगे की योजना, क्या डॉक्यूमेंट्स थे, किन लोगों से संपर्क था, किस तरह की तैयारी थी, उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव। दो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में पूरी तहकीकात की जाएगी, उनके पूरे इतिहास, पूरे उनके क्रियाकलाप और उनके जो अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है वो, या उनका पूरा मकसद क्या है, वो हम लोग अनुसंधान के अभी डायमेंशंस पर अभी बात नहीं कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ अनुसंधान अभी होगा, लेकिन जहाँ कहीं भी जरूरत होगी हमारी टीम जाएगी, कार्रवाई करेगी। धाराओं में कांड दर्ज हुआ है, देश के विरुद्ध अपराध करना और कम्युनिटीज के बीच में वैमनस फैलाना, शत्रुता फैलाना, इस तरह की गंभीर धाराओं में और षड्यंत्र की गंभीर धाराओं में कांड दर्ज किया। चार धामों में से एक रामेश्वरम धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर।